मंडी का नगर परिषद कुछ महीने पहले तक अपनी उपलब्धियों के चलते सुर्खियों में रहता था, लेकिन अब हालात ये हैं कि नगर परिषद विवादों के चलते खबरों में छाया हुआ है। ताजे घटनाक्रम में नगर परिषद के पार्षदों ने एक सांकेतिक धरने का प्रदर्शन किया और नगर परिषद अध्यक्षा सुशीला सोंखला और ईओ विवेक भाटिया के खिलाफ नारेबाजी की। कार्य प्रणाली में सुधार लाओ, सुधार लाओ, सुधार लाओ, इस दफ्तर को बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ, इस दफ्तर को बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ, पैसे करो ना रोना, बंद कराओ, बंद कराओ। नगर परिषद मंडी इन दिनों विवादों के चलते खबरों में छाया हुआ है। शहर की चरमराती सफाई व्यवस्था और डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का पटरी से उतरना पार्षदों के रोष का मुख्य कारण बन गया है। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद अध्यक्षा अच्छे कामों में रोड़े अटका रही है। उनका कहना है कि पहले शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर आ रही थी, लेकिन अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सभी पार्षदों ने एक सांकेतिक धरना दिया, जिसमें अध्यक्षा के खिलाफ पार्षदों ने अपना रोष व्यक्त किया, क्योंकि नगर परिषद मंडी की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी और उनके असहयोग के कारण आज हमारी सफाई व्यवस्था फिर पटरी से उतरने लग गई है। उसके लिए हमने एक धरना अध्यक्षा महोदय के कमरे के बाहर दिया और दूसरा हमने ईओ नगर परिषद मंडी उनके कमरे के बाहर भी धरना दिया, क्योंकि वो हमारे नगर परिषद को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण भी हमारी सफाई व्यवस्था जो है वो पटरी से उतर रही है। पार्षदों का कहना है कि लोगों से कचरा उठाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अब कचरा उठाने वाले कर्मचारी नहीं आ रहे। लोग इस कारण पार्षदों से सवाल पूछने लगे हैं। लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोग हमें बार बार फोन पे भी तंग कर रहे हैं, लोगों को 50 में भी लोग दे रहे हैं, पर फिर भी लोगों का गार्बेज घर से नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए जो हम सब इकट्ठे हमें चाहते हैं हमारा नगर परिषद, हमारा पूरा नगर साफ रहे और लोगों के हमारे प्रति कोई भी ऐसी नहीं हो। हम जब भी हैं, हम काम के लिए खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। हम जनहित के लिए आए हैं, जनहित के काम की बात करें। पार्षदों के मुताबिक कर्मचारी काम पर कैसे आए जब उन्हें पैसे ही नहीं दिए जा रहे। उनके मुताबिक मंडी जिला देश भर में सफाई के मामले में एक आदर्श बनने जा रहा था, लेकिन अब हालात ठीक उलट हो चुके हैं। कुछ समय पूर्व जो मंडी नगर परिषद की दशा और स्थिति थी, वो लोगों को विदित है कि कितने अच्छे से सुधरी थी और हम पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक नंबर वन की पोजीशन पे खड़े थे। हमारा एक मकसद था कि मंडी नगर को जो है साफ सुंदर और स्वच्छ बनाना है, लेकिन आज वो स्थिति पटरी से उतरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो एक प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया था, एक फाइनेंशियल स्थिति को एक अच्छी तरह से नगर परिषद में समन्वय किया था और डोर टू डोर गार्बेज का एक मुद्दा उठाया था कि लोगों के घरों से कूड़ा उठेगा। कई कर्मचारी दो एक महीने पहले जो बाहर से हमारी लेबर क्लास आई थी, जो घर घर से कूड़ा उठा रहे थे, जो भाई लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, आज इन लोगों को पेमेंट नहीं दी जा रही है। नगर परिषद के पास पर्याप्त पैसा है, लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोगों से टैक्स वसूल कर रहे हैं और ये लोग सवेरे उठकर लोगों के घरों से गार्बेज उठा के जो है वो सेग्रीगेशन स्टेज पे ले जाके डंपिंग साइट पे ले जा रहे हैं। पर ये कहाँ के न्याय है कि लोगों को जो है, इन लोगों को जो है पेमेंट नहीं दी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात सामने आ रही है और वह है सफाई कर्मचारियों की समस्या। सफाई कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें पेमेंट नहीं दी जा रही। वे लोग बाहरी राज्यों से आए हैं और हालात यह है कि उन्हें खाना खाने भी गुरुद्वारे के लंगर में जाना पड़ रहा है। आए हैं टीम मेंबर से, एक पंजाब की है, एक लुधियाना की है, एक हुशियारपुर की है। हम वहाँ के रहने वाले सभी पंजाब लोग। कितने लोग हैं आपको? हमारे 110 लोग हैं, सभी पर डाल के, सभी बंगाल के जो सभी लोगों को मंडी में हैं। लेकिन हमें जो गुरुद्वारा ना हो, हम जहाँ भूखे मर जाए, सुबह शाम हम गुरुद्वारा में जाकर रोटी खाते हैं। दो महीने से हमें पेमेंट नहीं मिल रही। हम क्वार्टरों से परेशान, जो इन्होंने सुविधा हमें बोली थी, हम घर पे बच्चे जवान छोड़ के आए हैं, हमारे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। ठंडी तीसरे महीने की 10 तारीख होगी, हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है। बच्चे वो तो जी उसकी लड़की की डेथ होगी, वो लड़के जिला श्री अंबरसर डेथ होगी लड़की की, बच्चे की डेथ होगी। पार्षदों ने नारेबाजी और धरने के बाद एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अपनी समस्या से भरा हुआ एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।